वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कितना सारी चढ़दी कला। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग अपना स्टार्ट हो रहा है जो कि अपनी स्टिंगरी की चढ़ाई आती है उससे, जो लाहौल स्पीति से। तो हम जा रहे हैं लद्दाख, लेह लद्दाख। तो सीमेंट हमने किया है डाबन से लोड और ट्रिप बन चुका है लद्दाख का, और वहाँ से न जाने कहाँ का बनेगा, लेकिन फिलहाल तो लद्दाख का बना है। तो अपने साथ है वही यूनस, वही ट्रक और वही रास्ते, लेकिन रास्तों में काफ़ी सुधार आ चुका है। दोस्तों, लोड करके रात को आगे थे और अपने रुके थे हम आगे केलोंग में, वहाँ पे तेल वगैरह फुल अप करवाना होता है, तो वहाँ पे रुक गए थे। तो अभी वहाँ से चले कंटिन्यू। तो सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं अभी कंटिन्यू दारचा की ओर। और दारचा से रात को आजकल गाड़ियाँ नहीं छोड़ जाती क्योंकि आजकल मौसम ख़राब है। तो अभी निकलते हैं और आप बने रहें मेरे छोटे से ले तक के ब्लॉग के लिए, ब्लॉग के साथ, और मिलते रहेंगे और दिखाएंगे आपको, क्योंकि आजकल लास्ट का दिसंबर का टाइम चल रहा है। तो आजकल रोड रात में तो बहुत ख़राब होता है लेकिन दिन में ठीक होता है। लेकिन मैं पहली बार जा रहा हूँ, लास्ट में इस टाइम जाता नहीं था क्योंकि फर्स्ट में ले के चक्कर लगाते थे, उसके बाद जाते थे, लेकिन इस बार लास्ट में फर्स्ट बार जा रहे हैं। तो देखें कैसा रास्ता है, कैसी ठंड है, जैकेट वगैरह, तो ठंड तो यहीं से लगना स्टार्ट हो गई है। जैकेट वगैरह हमने डाल ली हैं और राशन वगैरह सब कुछ ओके है, और अपने साथ गाड़ी है सलीम शमी जो ऑल्टो 652 है। तो मिलते हैं आपसे, देखते हैं कहीं पे ब्रेक लेंगे तो चाय वगैरह करेंगे, तो मिलते हैं वहाँ पे और अभी चलते हैं कंटिन्यू। दोस्तों, जिंगजिंग बार में पहुँच गए हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह की रुकी है। अभी ये है बंदा भाई जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था, शमी खान। वो फोन से निकल जा बाहर, कहाँ है भैया? भाई ये एक महीना बिहार में रहा ना, तो इसको बिहारी बहुत पसंद आ गई है, ये उसी इलाके में चला है। बाकी अपने रवि भाई और यहाँ पे भाई निशु की गाड़ी है, भाई। भाई और भाई का नाम क्या है? शशि भाई। और ये है आजकल यहाँ पे जी। तो पहुँच गए बारालाचा टॉप पे। तो भाई रोड बिल्कुल पक्का हो गया है, अब पहले की तरह नहीं रहा है। बारालाचा जो सूरज ताल वाला रोड था, नीचे सूरज ताल है कि शायद कौन सा ताल है, रफी भाई है मेरे साथ बैठे, रफी भाई को बताना नाम का, इनको भी नहीं है पता रफी भाई को भी नहीं पता। तो वहाँ पे भी रोड जो कच्चा था वो भी पक, तो रोड वैसे अच्छा हो गया काफ़ी हद तक। बारालाचा जो पहले ऊपर से रोड था, अब नीचे से चालू कर दिया, अब नीचे से जो निकाला है रोड वो चालू हो गया है, अब तो भी चल रहे हैं। अरे भाई ट्रॉफी का ना पीएंगे और छुट्टी आगे आगे चला है, चलेंगे सरचू में देखेंगे जाके और देख लेंगे और उसके बाद चलेंगे कंटिन्यू। सो दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, इस जगह पे कर दिया हुआ है भाई पुल अब बंद, और नदी होके निकालनी पड़ेगी गाड़ी, नदी होके निकल रही है गाड़ियाँ। तो भाई अभी तो गाड़ी निकाल लेते हैं फिलहाल। तो दोस्तों, पहुँच गए सरचू से थोड़ा इस साइड, तो नदी वाला जो पॉइंट था वो क्रॉस किया, तो यहाँ पे रुके भी थोड़ा चाय वगैरह बना रहे हैं, तो चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद चलेंगे फिर कंटिन्यू। तो दोस्तों, पहुँचने वाले हैं सरचू। तो आज कल कुछ ऐसा व्यू है, ब्राउन व्यू, पहाड़ियों का भी कुछ अजीब जैसा व्यू हो जाता है आजकल। तो चले आगे शमी की गाड़ी और पीछे गाड़ी और साथ है, तो निकलते हैं। टाइम हो चुका है बहुत, क्योंकि चाय वगैरह पी रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, तो टायर वगैरह ठंडे करने के चक्कर में अभी चले हैं। ये है व्यू दोस्तों, और नेटवर्क भी आ चुका है अपने फ़ोन पे, मैसेज फ़ोन जो जो कर रहे थे आ रहे हैं। सो दोस्तों, ये है पुल जो सरचू से आगे, इसका भी काम चल पड़ा है, हो रहा है, नया पुल बन रहा है उस साइड, क्योंकि भाई इससे फिर जान छुटकारा पाएंगे, नहीं तो जान हथेली पर आ जाती। देखो कैसे हिल रहा है, तो पूरा हिल रहा है पुल, ये तो बुरे हाल है, पता नहीं कब बैठ जाएगी, डर ही लगता रहता है इस पर। तो नया वाला पुल बन जाएगा सीमेंट का तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नए वाले पुल बन के भी बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, ट्विंग ट्विंग पुल। ओ, यहाँ पे गाड़ी खराब है बेचारे किसी की। तो पहले दोस्तों पहुँच
पे गाड़ी, आज क्लॉक सीजन नहीं है इस करके गाड़ी नहीं चल रही, काफ़ी कम गाड़ी चल रही है। बाइक चढ़ गई एनडीटी चढ़ गई। ये वाली ठोकर है भाई, बड़ी तगड़ी यहाँ पे, तो इस करके जाम लगा है बड़े पीछे तक। तो यहाँ पे नहीं खड़ेगी। यहाँ पे देखो कितना जमट लगा है गाड़ियों का, कितनी गाड़ियाँ खड़ी, अभी चढ़ नहीं रही है, देख सकते उस साइड हमारा आगे। तो ये गाड़ी भी चढ़ नहीं रही है, खड़ी है जो। तो करते हैं, ले आते अपनी गाड़ियों को भी, और सीजन के बाद करके यहाँ पे आजकल गाड़ी चल रही है, शायद ऐसा रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों पांग से थोड़ा पीछे है अभी, पांग से तो भाई रोड बिल्कुल ओके हो गया है। पांग से पीछे से लेके जो टॉप है नगीला, वहाँ से लेके नीचे तक अच्छा हो गया है रोड। बीच बीच में ये वाला पॉइंट कच्चा है, लेकिन इससे पीछे वाला जो रोड था वो बिल्कुल ओके है, पक्का है। बीच बीच में कच्चा भी है, लेकिन काफ़ी हद तक पुल वगैरह बन गए हैं, काफ़ी सुधार आ चुका है। तो अभी पहुंच गए नीचे यहाँ पे, डंखार देखो, यहाँ पे बिल्कुल सिंगल रोड था, लेकिन डबल हो गया, जाम की कोई वो नहीं रही है। तो बाकी यूनुस को लगा दिया हमने यहाँ पे भाई, खाना बनाने के लिए तैयार, क्योंकि सुबह परौंठे खाए थे और उसके बाद खाया नहीं कुछ भी। तो अभी परौंठे बनाने के लिए, क्या परौंठे सॉरी खाना बनाने के लिए, अभी खाना बनाएंगे चावल वगैरह कुछ पांग में जाके। तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा रेस्ट भी लेंगे और फिर चलेंगे कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स पहुँच गए हैं पांग में, तो ये है पांग भाई। डाबे डूबे तो सारे बंद ही हो रहे हैं मैक्सिमम आजकल, बिल्कुल अंधेरा भी छा रहा है हमारे को अभी यहाँ पे पांग में। और टाइम हो चुके हैं 5:37, और किसी पहाड़ी पे ना अभी धूप दिख रही थी मेरे को, शायद पीछे कहीं अच्छी धूप लगी हुई। तो भाई धूप भी लग रही है, देखो व्यू भाई, शाम का व्यू ऐसा ठंडी ठंडी, बाहर तो बहुत ठंड है लेकिन अंदर अभी गाड़ी के अंदर उतना नहीं है। तो यहाँ पे बनाएंगे रोटी राटी का सिस्टम निकल रहा है अभी, खाना वगैरह बनाएंगे और फिर खा के ये चलते चलते बनाएंगे, खाएंगे और निकलेंगे। वो लेफ्ट ले लिया, हम भी लेते लेफ्ट। वहाँ पे लगाएगा ही। Oh my God, this is चढ़ाई। दूर 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 मिट्टी, दूर मिट्टी। Oh my God, वो हो आगे दिख नहीं लगा। ये दो गाड़ी है हमारे साथ और तीसरी अपनी, ये थोड़ी सी आगे लगाई, मैं इससे थोड़ी सी आगे लगाऊंगा। ये है यहाँ पे बंदे, देखो देखो आराम कर रहे हैं, देखो धूल उठा दी बहुत ज्यादा हमने, यहाँ से ऊपर निकला हमने अभी डिबरिंग के लिए और वहां से कंटिन्यू तंग लंगला और ले। मॉर्निंग फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, आपकी एक नई मॉर्निंग हो चुकी है आज की हमारी। आज हम मैं पांग में, तो रात को पांग में पहुंचे थे और वहीं पे सो गए थे, देखा कि पांग पहुंचे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उस करके हम यहीं पे सो गए थे। और यहाँ रात गाड़ियाँ में स्टार्ट रखी और अभी बंदे वगैरह धूप सेक रहे हैं, तो फिर अभी चलते हैं, निकलते हैं सफ़र की। और तो अभी ठीक ठाक थे, मतलब तबीयत अभी तो बिल्कुल सेट है, सिर में दर्द हो गई थी यहाँ पहुँचते ही। तो बाकी इन्होंने भी कहा भी यहीं सो जाते हैं, पूरी रात गाड़ियाँ स्टार्ट रखी और सो गए थे, और अभी धूप वगैरह निकल गई है तो भी चलते हैं हंसते की। और दोस्तों पांग से निकल चुके हैं और यहाँ से देख सकते हैं आगे आप स्लीम की गाड़ी चल रही है, देखो धुआं कितना मार रही है भाई, यूरिया वाली बोलते BS6 धुआं नहीं मारती, लेकिन जो भी बाप है धुआं है कुछ भी है लेकिन है तो है। और अपने वाली गाड़ी तो आप इस साइड ग्लास में देखो कितना धुआं मार रही है, देखो भाई इतना धुआं सबसे ज़्यादा मार रही है इस टाइम, देखो कितना धुआं मार रही है। यहाँ पे ठंड के कारण ना बहुत ज़्यादा धुआं मारती है गाड़ियाँ, तो अभी चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स पहुंच गए तंग लंगला टॉप पे, तो ये है भाई तंग लंगला टॉप, यहाँ पे गाड़ियाँ बंदे खड़ी की हुई है साइड भी। तो ये लग चुके हैं हम अब डाउन पे, यहाँ पे हमें तो बिल्कुल धूप लगी लेकिन मौसम ख़राब बता रहे थे, ऐसा तो हमारे साथ हुआ नहीं। साथ की दो गाड़ियाँ तो हमारी निकल चुकी है, भाग गई है, पता नहीं कहाँ भाग गई है। रफ़ी भाई को मैंने अपने साथ बिठा लिया था, मैं कह नॉलेज वाला बंदा मार को अपने साथ चाहिए क्योंकि इसको छोड़ के कहाँ जाएगा वो दो भाग के आएंगे वापस।